काफी लोगों को अभी तक नहीं पता कि पुष्पा 2 रिलीज क्यों नहीं हो रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल सोच रहे हैं कि इसको पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है और इसे ऑलरेडी 2 बार डिले कर चुके हैं। फिल्म काफी हद तक शूट हो चुकी है, बस कुछ शूट्स बाकी है और ऑलमोस्ट डन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पर इसे जानबूझकर डिले किया जा रहा है। तो रीजन की बात करें उससे पहले पुष्पा 2 के लीड एक्टर और इस कॉन्ट्रोवर्सी के स्टार की बात कर लेते हैं, अल्लू अर्जुन की। और उससे भी पहले अगर तुम ऐसी और वीडियो पसंद करते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो तुम्हें पता होगा साउथ इंडस्ट्री में मेनली 2 ही फैमिलीज रूल करती है, अल्लू फैमिली एंड चिरंजीवी फैमिली। ये दोनों भी आपस में क्लोज फैमिली ही है। तो हुआ यूं कि अल्लू अर्जुन की वाइफ की फ्रेंड के हस्बैंड YSRCP पार्टी के MLA हैं एंड उनका नाम है शिल्पा रेड्डी। और अपनी वाइफ के कहने पर अल्लू अर्जुन उन्हें सपोर्ट करने चले गए नंदयाल आंध्र प्रदेश के MLA इलेक्शन के लिए। पर जो पार्टी अपोजिशन में है वो है पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी, और वो भी वहीं पर कैंपेन कर रही होती है उस टाइम पे। और उसमें पवन कल्याण के भतीजे रामचरण भी होते हैं, और पवन कल्याण के पार्टी को चिरंजीवी की पूरी फैमिली का सपोर्ट है, मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री का सपोर्ट है। इस चीज को और ज्यादा बदतर करने का काम करता है शिल्पा रेड्डी की स्टेटमेंट। वो बोल देते हैं कि अल्लू अर्जुन अपनी मर्जी से वहां आए हैं, उन्हें बुलाया नहीं गया था। ये चीज रामचरण और पवन कल्याण के फैंस को पसंद नहीं आई, और रिजल्ट के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पवन कल्याण की पार्टी एक और पार्टी के साथ मिलकर मैक्सिमम सीट्स जीत गई और पवन कल्याण वहां के MLA बन गए। नाउ वहां के लोगों में इस बात के लिए गुस्सा है कि अल्लू अर्जुन ने अपनी वाइफ के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए और पवन कल्याण की पार्टी के अगेंस्ट भी गए, और क्या पता उनकी फैमिली में भी कुछ ऐसा पंगा हो रहा हो अभी फिलहाल। पर अभी वो इतना बड़ा तेलुगु फैन बेस जो अल्लू अर्जुन के अगेंस्ट है वो वेट कर रहा है पुष्पा 2 की रिलीज का, ताकि वो अपना बदला ले सके और दिखा सके कि फैन से पंगा उनको पड़ेगा महंगा। और तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि तेलुगु रीजन से ही अल्लू अर्जुन के सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस होता है और सबसे ज्यादा फैंस भी वहीं पर है। इसे शांत करने के लिए मेकर्स ने अभी तक पुष्पा 2 को रिलीज नहीं किया है। प्लस साथ में न्यूज आ रही है कि डायरेक्टर के साथ भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है अल्लू अर्जुन का, मतलब आई डोंट नो ये सच है या नहीं, लेकिन शूट से पहले ही वो वैकेशन पर चले गए काफी लंबे टाइम के लिए एंड डायरेक्टर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। प्लस अल्लू अर्जुन की कुछ डिमांड्स भी थी, वो भी डायरेक्टर को इतनी पसंद नहीं आई, एक ये भी रीजन है इसको डिले करने का। तो फैंस तो वेट कर ही रहे हैं, पर अल्लू अर्जुन आराम से वहां पे हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कितने ही दिन ये लोग गुस्से में रहेंगे। और वैसे भी वहां के फैन थोड़े ज्यादा ही केयर करते हैं अपने स्टार्स की, थोड़े टाइम में सब भूल जाएंगे और फिर इसे वही पागलों की तरह एक स्टार को एक देवता की तरह पूजना स्टार्ट कर देंगे, दूध चढ़ाएंगे और भी काफी कुछ करते हैं वो लोग। पर अल्लू अर्जुन की भी आई थिंक यहाँ पे गलती है, पता नहीं क्यों इनकी एक फीमेल जाती है और फिर ये अपने आप को क्या समझने लगते हैं, मुझे कभी समझ में नहीं आता इन स्टार्स के बारे में। मैं पुष्पा 2 के लिए एक्साइटेड जरूर हूँ, पर इतना भी नहीं। अगर कल को वो बोल दे कि पुष्पा 2 रिलीज नहीं हो रही है तो मैं बोलूंगा ओके ठीक है, क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 भी इतनी डिजर्विंग नहीं थी मेरे एंगल से। वो एक प्रॉपर मिसोजिनिस्ट फिल्म थी, ओवररेटेड एक्शन था, डायलॉग्स अच्छे थे बस ये मैं मानता हूँ, पर उसे उतनी हवा नहीं मिलनी चाहिए थी। अब उसके डायलॉग और एक्शन की वजह से मिल गई, पर क्या कर सकते हैं। अभी तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है। और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।